मध्य प्रदेश में मौसम के साथ अब विधानसभा चुनाव की गर्माहट भी महसूस की जाने लगी है। नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी ने उन सीटों पर फोकस किया है जो लंबे समय से कांग्रेस के कब्जे में हैं। राज्य में ऐसी करीब 103 सीटें हैं जिन पर 2018 के बाद 2020 के हुए उपचुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि बीजेपी ने अब मिशन 103 पर काम शुरू किया है। इन 103 में से 36 सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज विधायक काबिज हैं, जिन पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। पार्टी ने इन सभी सीटों को आकांक्षी विधानसभा का नाम दिया है। इसके साथ ही गुजरात और यूपी के फार्मूले पर चलते हुए कांग्रेस के दिग्गजों की सीट पर जीत की रणनीति बनाई जाती है। इन सीटों में पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का विधानसभा क्षेत्र लहार, गुना जिले की राघवगढ़ सीट जहां से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह विधायक हैं, तो वहीं खरगोन जिले के कसरावत सीट जहां सुभाष यादव के बेटे सचिन यादव हैं। इसके साथ ही भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस विधायक आरिफ अकील को टक्कर देने के लिए बीजेपी किसी बड़े चेहरे की तलाश में है। 2003, 2008 और 2013 में बीजेपी जीत दर्ज कर सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन कांग्रेस के दिग्गजों के इलाके में बीजेपी जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। इन सीटों को लेकर अब रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी के नेता जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की तमाम तैयारियां मतदाताओं को कितना प्रभावित करती है। क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी का गुजरात और यूपी वाला फार्मूला कारगर साबित होगा या 2018 की तरह एक बार फिर कांग्रेस सत्ता हासिल करने में सफल होगी।